then class. Now let's have a look on another example, which is between calcium oxide and carbon dioxide. We have two reactants, calcium oxide and carbon dioxide, which are combined to form calcium carbonate, which is in solid state. हमने तो जो दो रिएक्टेंट लिए थे उसमें से एक सॉलिड था एक गैस था. उसने कम्बिनेशन के रिएक्शन को फॉलो अप करते हुए क्या बनवाया, कैल्शियम कार्बोनेट. अब हमने इस सेम रिएक्शन को ओपन और क्लोज सिस्टम में देखना है कि कब ये कंडीशन फॉरवर्ड, कब रिवर्स और कब ऐसा रिएक्शन करेगी जिसमें दोनों रिएक्शन एक साथ सिमल्टेनियसली प्रोसीड करें. लेट्स हैव अ लुक इन ओपन सिस्टम. ओपन सिस्टम का मतलब है कि हम इस रिएक्शन को एक ओपन एनवायरमेंट में करवाएंगे जिसमें हमारे पास ये ऑप्शन होगी कि हमारे बनने वाले प्रोडक्ट लीव भी कर सकते हैं, एंटर भी कर सकते हैं, कोई चीज नहीं डल भी सकती है और बनने वाली चीजें स्केप आउट भी कर सकती हैं. लेट्स स्टार्ट. यू हैव अ फ्लास्क, उसमें आप क्या करें, आप अब कैल्शियम कार्बोनेट ले लें जो कि सॉलिड कंपाउंड है. उसके बाद आप उसको हीट लगाएं, ठीक है, हीट की कंडीशन उस पर अप्लाई करें और वो क्या करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट डीकम्पोजिशन स्टार्ट कर देगा, विच इज इन फॉरवर्ड रिएक्शन. फर्स्ट स्टेप इज फॉरवर्ड रिएक्शन. वो क्या करेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन को फॉलोअप करवाते हुए आपके पास दो नए प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देगा. वन इज कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड है, फ्लास्क के बॉटम में आपको नजर आएगा. अनदर इज कार्बन डाइऑक्साइड विच इज अ पार्ट ऑफ एनवायरमेंट, जो क्या करेगा, ओपन सिस्टम में स्केप आउट कर जाएगा. उसके बबल जाहिर बात है गैस है तो गैस बॉटम पे नहीं होगी, वो टॉप पे जाना शुरू कर देगी और अगर उसको ओपन एनवायरमेंट मिलेगा तो वहां से मिलके आपके एनवायरमेंट का हिस्सा बन जाएगी. अब इस रिएक्शन में क्या हुआ, आपके रिएक्टर ने दो प्रोडक्ट बनवाए और आपका जो दूसरा प्रोडक्ट था वो एनवायरमेंट में चला गया और अब यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट मौजूद ही नहीं है. तो ये सिंगल प्रोडक्ट मिलके कभी भी बैक नहीं जाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनाने के लिए. सो इस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन फॉलो अप होगा, रिवर्स डायरेक्शन फॉलो अप नहीं होगा क्योंकि आपका ये वाला प्रोडक्ट यहाँ मौजूद नहीं रहा, सिर्फ ये रह गया. नाउ लेट्स हैव अ लुक द सेम रिएक्शन इन अ क्लोज सिस्टम. ठीक है, ओपन सिस्टम में ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, क्लोज सिस्टम में ये रिवर्सिबल रिएक्शन है. कैसे, कैल्शियम कार्बोनेट फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन को फॉलो अप करके आपके पास दो प्रोडक्ट बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सिस्टम क्लोज है, ठीक है, डीकम्पोजिशन हो रही है और डीकम्पोजिशन होते हुए आपके पास दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. क्लोज सिस्टम है तो ये टॉप ऑफ दी फ्लास्क में इसके गैस मॉलिक्यूल इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे और एक वक्त आएगा जब ये दोनों दोबारा आपस में कम्बिनेशन स्टार्ट करके क्या बनाना शुरू कर देंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, विच इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन. डीकम्पोजिशन हुई, आपके पास दो प्रोडक्ट बने फॉरवर्ड रिएक्शन में, दोबारा से कम्बिनेशन हुई रिवर्स रिएक्शन में, आपके पास दोबारा कैल्शियम कार्बोनेट बन गया. ठीक है, तो ये वाला रिएक्शन आपका क्या कहलाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन, विच विज अकर इन क्लोज सिस्टम.